नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंट पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। हमने जो है संपूर्ण हिंदी ग्रामर की कक्षाएं शुरू करी हैं, जिसमें हमने लगभग हमारी वर्णमाला का टॉपिक था पूरी वर्णमाला हमने खत्म कर ली। उसमें कुछ एक और टॉपिक रहते हैं जो काफी डीप वाले हैं, तो वो हमें मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने की जरूरत है आपको वो सारी चीजें। अगर आपको वो जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो आप अच्छे तरीके से कर लेते हो, वो जो दूसरे वर्ण है वो बच रहे हैं आपके, जैसे वर्ण विन्यास आ गया प्रकार के, तो शब्दकोश में हिंदी वर्णों का स्थान या अक्षरों का स्थान वो वाले आप वहां से देख सकते हैं। तो वर्णमाला जैसे खत्म होती तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कोई भी शुरू कर सकते हैं हम, लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं संधि का टॉपिक जो है। तो संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका हिंदी ग्रामर का, जिस भी एग्जाम में अगर हिंदी पूछी जाती है तो वहां पे संधि के लगभग दो या तीन क्वेश्चन आपको जो है देखने को जरूर मिलते हैं। तो आपने जो है इस क्लास के अंदर बने रहना है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है जी। और इससे पहले जो आपने वर्णमाला वाला टॉपिक था उनको नहीं देखा तो उन्हें जाके जरूर देख लें, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको संपूर्ण हिंदी ग्रामर करके आपका जो है एक प्लेलिस्ट बना हमारे चैनल का, वहां से आप देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं श्री गणेश का नाम लेकर के, माँ सरस्वती का नाम लेकर के। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं टॉपिक हमने बताया क्या, संधि। और संधि मैंने आपको बताया भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी हिंदी ग्रामर का, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ पे संधि से क्वेश्चन नहीं आता है। और संधि से एक ही टॉपिक आपका जो है जुड़ा हुआ नहीं है कि संधि पढ़नी तो बस संधि में ही आएगा काम, ये यही टॉपिक आपका कहाँ काम आ जाएगा संधि का, यही टॉपिक आपका काम आ जाएगा वैसा आप कह सकते हैं कि उपसर्ग में, कहाँ पे उपसर्ग, यही टॉपिक आपका काम आ जाएगा कहाँ पे प्रत्यय में, और यही टॉपिक आपका कहाँ काम आ जाएगा शुद्ध वचनी में, ठीक है। कहाँ काम आ रहा है शुद्ध वचनी में काम आ रहा है। तो यहाँ पे संधि वाले टॉपिक को आपने इज्जत देनी है, क्या देनी है इज्जत, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को इज्जत दोगे भाई साहब ये आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेगा पेपर में, जब एग्जाम में आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वहां पे आपके साथ पूर्ण सहयोग करेगा। लेकिन अगर आप इसको ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे तो भाई साहब ये आपके साथ क्या करेगा वहां पे बदतमीजी, अगर आप इसके साथ बदतमीजी करोगे तो ये आपके साथ भी क्या करेगा बदतमीजी करेगा, ठीक है। अगर आप इसको प्यार से पढ़ लोगे तो ये आपके लिए जो है क्या है सहयोगी बनेगा, कहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए प्यार से पढ़िए, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो टॉपिक आपका एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल सहयोगी बनेगा, बिल्कुल अच्छा दोस्त बनेगा। लेकिन यदि आप क्या करते हैं किसी टॉपिक को जितनी उसकी इज्जत बनती है उतनी यहीं रहते हैं तो क्या होगा भैया वो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी भी अति कर देगा, ठीक है। ले भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये समझते पड़े, ठीक है। आइए ज्यादा कहानियां ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है संधि। संधि की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात आपने ऐसे सुना होगा कि जैसे मान लो शिमला समझौता, समझौता संधि दो लोगों के बीच में होती, ठीक है, जब झगड़ा झुगड़ा होता है तब भी संधि होती है, ठीक है। या पहले भी हो जाती है, झगड़े से पहले भी संधि हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। तो हम देख लेते हैं क्या संधि का शाब्दिक, क्या देखना है शाब्दिक, ठीक है। तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो क्या रहने वाला भैया शाब्दिक अर्थ रहेगा आपका सुलह समझौता, आप कह सकते हैं मेल, आप कह सकते हैं जो, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे,
इसे हम कहेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ, सुलह समझौता में जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, संधि का मतलब यही होता है, ये इसके शाब्दिक अर्थ रहे। अगर हम बात करेंगे संधि की परिभाषा, ठीक है, कई बार डायरेक्ट एग्जामिनर जो है आपसे परिभाषा पूछ लेता है, तो आई परिभाषा की अगर हम बात करेंगे तो परिभाषा क्या रहेगी कि दो निकटवर्ती, दो निकटवर्ती वर्णों का योग, योग कह सकते हैं, जोड़ कह सकते हैं, ये मेल कह सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा रहेगी, ठीक है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ भी आपने ध्यान में रखना है, संधि का जो है संधि की परिभाषा भी ध्यान में रखनी है। कई बार पूछ ली जाती है भैया बताओ संधि की परिभाषा क्या है, या फिर पूछ लिया जाता है कि भैया दो निकटवर्ती वर्णों के योग से क्या बनता है, कौन सा शब्द बनता है, तो संधि शब्द बनता है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इतनी सी कहानी आपने समझ ली होगी, यहाँ तक की कहानी आपने समझ ली। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें क्या, तो हम शब्द ले लेते हैं कौन सा, सुरेश, ठीक है, हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, ठीक है, सुरेश, सुरेश की अगर हम बात करेंगे तो ये सुरेश शब्द जो है किस तरह है, संधि विधि से बना है, कौन सी संधि है वो भी देख लेते हैं। जैसे आपका दो शब्द है कौन से, सुरधन ईश, कौन से रहे भैया, सुरधन ईश, इस वाले शब्द से हमने क्या लिया प, और इस वाले शब्द से क्या लिया ई, दोनों के जोड़ से क्या बना ए बना, दोनों के जोड़ से क्या बना ए बना, इसीलिए यहाँ पे कौन सा बना हमारा, सुरेश बना, ठीक है। सुरेश की अगर हम बात करेंगे तो सुरेश में संधि कौन सी आएगी, सुरेश में संधि आएगी गुण संधि, ठीक है, कौन सी संधि आएगी, गुण संधि आएगी। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जोड़ करके क्या बनाते हैं, संधि बनाते हैं, ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का क्या पहला वर्ण, ये जुड़ करके क्या बनाते हैं, आपकी संधि बनाते हैं, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं ये बात मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, वहां से मैं आपको चीजें बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कि भैया जो संधि है संधि के भेद कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भैया संधि के भेद कितने हैं, संधि के भेद, ठीक है, तो संधि के कितने भेद हैं, जितने हमारे वर्ण के भेद हैं उतने ही हमारे क्या है संधि के भेद हैं। तो वर्ण के भेद कितने थे, तीन, संधि के भेद कितने रहे, तीन। अब कौन कौन सी संधि है वो भी देख लेते हैं भाई, ठीक है, कौन कौन सी संधि, नंबर एक स्वर संधि, कौन सी संधि, स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, और नंबर तीन विसर्ग संधि, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तो यहाँ पे आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया संधि कितने प्रकार की है, संधि के भेद कितने हैं, तो ये आपके तीन भेद हैं, ठीक है, कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए अगर हम बात करेंगे किस चीज की, स्वर संधि की बात करेंगे, तो भैया ये चीज का ध्यान रखिए कि स्वर संधि में आप क्या चीज ध्यान रखेंगे, जो अपने 11 या 13 स्वर पड़े, 11 या 13 स्वरों में से दो वर्णों के जोड़ से बनने वाले शब्द। देखिए स्वर संधि में आपने एक चीज का ध्यान रखना, तो अब जितनी भी संधियां होंगी सभी संधियों में क्या होगा, जुड़ेंगे क्या, दो ही वर्ण जुड़ेंगे, दो निकटवर्ती वर्ण ही जुड़ेंगे, लेकिन हर संधि में अपना अपना एक रूल रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम स्वर संधि के लिए क्या बोल रहे हैं भैया, देखो 11 या 13, 11 मतलब हिंदी के और 13 मतलब संस्कृत के, संस्कृत के दो स्वर जोड़ देंगे 13 हो जाएंगे। मैं से दो वर्णों के जोड़ से बने शब्द, बनने वाले शब्द को स्वर संधि, स्वर संधि से बना शब्द कहेंगे, ठीक है भैया, ध्यान रखिए इस बात का,
बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि स्वर संधि में क्या होगा, दो निकटवर्ती वर्णों में से कौन से होंगे, आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, आपका दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिया था क्या, ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमने क्या लिया था भैया, हमने ले लिया था सुरेश, सुरेश नाम ने क्या किया, सुरधन ईश, सुरधन ईश क्या भाई, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या था, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या था, ई, तो यहाँ पे ये भी स्वर और यहाँ पे ये भी स्वर, दोनों स्वर वर्णों के मेल से जो बना वो क्या बना आपका, वो बना आपका स्वर संधि का शब्द। तो सुरेश में अगर संधि की बात करें तो कौन सी है, गुण संधि है भाई, ठीक है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। अगर हम बात करेंगे कि भैया सुरेश शब्द में कौन से वर्ण जुड़े हैं, तो स्वर वर्ण जुड़े हैं, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ये कहानी में मतलब समझ रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम व्यंजन संधि, अगर हम बात करेंगे किस चीज की, व्यंजन संधि की बात करेंगे, तो देखिए व्यंजन में क्या आपने ध्यान रखना है, व्यंजन संधि में एक स्वर और एक व्यंजन तब भी व्यंजन संधि, यहां पे एक व्यंजन और दूसरा जो शब्द है वो भी व्यंजन तब भी क्या होगी, व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि में मतलब दो में से एक वर्ण जो है क्या होगा, व्यंजन होगा, ठीक है। दो में से एक वर्ण अगर व्यंजन होता है, दोनों में से एक व्यंजन अगर आपका वर्ण सॉरी व्यंजन होता है, तो वहां पे कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे विसर्ग संधि की, अगर हम बात करेंगे किस चीज की, विसर्ग संधि की बात करें, तो विसर्ग संधि में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, विसर्ग, विसर्ग देखने को मिलेगा, और विसर्ग के साथ साथ ही आपको व्यंजन भी देखने को मिलेंगे, आपको स्वर भी देखने को मिलेंगे, तो विसर्ग संधि में तो वो सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, तो वो तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्वर संधि और व्यंजन संधि की, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, स्वर संधि में हमेशा आपने ध्यान रखना है दोनों जो वर्ण है आपके वो क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। और उसी प्रकार से आपके पास व्यंजन जो है वो क्या होने चाहिए, व्यंजन संधि में एक आपका व्यंजन एक स्वर है, तो तब भी व्यंजन संधि है, और दोनों के दोनों दोनों शब्द जो है व्यंजन है, तब भी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। जैसे आपके उदाहरण की है, ये बता दूं मैं आपको, समाचार, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, समाधान, आचार, यहाँ पे ये जो शब्द वर्ण है वो क्या है, व्यंजन है, क्या है भाई, व्यंजन है, क्योंकि आधार है ना, ठीक है, और ये क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे भी आपका रूल अप्लाई हो गया। इसी से दूसरा शब्द ले रहे हैं अगर हम जगदीश, अच्छा इसमें भी यही आ जाएगा, जगत धन ईश आ गया, हाँ जगन्नाथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जगत नाथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, जहां पे दोनों के दोनों वर्ण जो है व्यंजन जुड़ेंगे वहां पे भी क्या होगी, आपकी व्यंजन संधि होगी। यहां तक की कहानी आपने समझ ली होगी, इतनी मैं बात मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं कौन सी संधि पे, स्वर संधि पे, कौन सी संधि पे आएंगे, स्वर संधि पे आएंगे भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। स्वर संधि की जो डेफिनेशन थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या होती है भैया, कैसे होती है, वो चीजें हमने देख ली। अब देखते हैं कि स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि जो है आपकी उसके भेद कितने होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के भेदों की बात करेंगे तो कितने भेद रहने वाले हैं इसके, इसके भेद रहने वाले हैं आपके कितने, पांच। स्वर संधि के कितने भेद हैं, पांच। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ संधि के कितने भेद हैं, संधि के भेद रहने वाले कितने, तीन, कितने, तीन। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो स्वर संधि के भेद कितने हैं, पांच। कितने भेद हैं, पांच भेद हैं। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, अपने दिमाग में बसा के रखनी है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब ये पांच भेद कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। नंबर एक,
दीर्घ संधि, कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। नंबर दो यण संधि, नंबर तीन गुण संधि, गुण संधि के उदाहरण भी दिया मैंने आपको। नंबर चार वृद्धि संधि, ठीक है, और नंबर पांच अयादि संधि, ठीक है। तो ये स्वर संधि के पांच भेद हैं, कौन कौन से? दीर्घ संधि, यण संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और आपकी अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे हम क्या, आगे हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की बात करेंगे तो इसमें कौन से स्वर बनेंगे आपके, कौन से स्वर बनेंगे इसमें? बनेंगे आपके बड़े स्वर, या बड़े वर्ण बनेंगे आपके बड़े स्वर, ठीक है। इसमें सजातीय, सजातीय और विजातीय वर्ण दोनों आएंगे, नहीं इसमें क्या आएंगे, सजातीय वर्ण ही आएंगे, ध्यान रखिएगा, सजातीय वर्ण ही आएंगे इसमें, विजातीय वर्ण नहीं आएंगे दीर्घ संधि में, ठीक है। बनती कैसे कहते हैं वो चीज देख लेते हैं हम। जैसे अगर मान लो अ और स जुड़ते हैं तो आ बनेगा, ठीक है। मतलब आपके दीर्घ संधि में सजातीय स्वर ही एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, दूसरा स्वर जुड़ेगा तो वो दूसरी संधि बनेगी, लेकिन स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि नहीं हो सकती, ठीक है। अगर दो स्वर वर्ण जुड़ रहे हैं तो कोई ना कोई संधि जरूर होगी, लेकिन अगर आपका क्या हो रहा है कहीं पे सजातीय स्वर जुड़ रहे हैं तो वहां पर क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। जैसे अ के साथ अ जोड़ने पर आ बना, आ के साथ अ जोड़ने पर भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अ के साथ आ जोड़ने पर भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। आ के साथ आ जोड़ने पर भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं ई के साथ ई जोड़ते हैं क्या बनेगी, बड़ी ई, क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी, ठीक है। मतलब मात्रा इसी की लगेगी, ठीक है। ई के साथ ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगी। जैसे मैं जोड़ क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगी। मतलब दीर्घ सजातीय स्वर आएगा आपका, बड़ा स्वर आएगा। ऊ के साथ अगर जोड़ रहे हैं हम, ऊ के साथ बड़ा ऊ बनेगा भाई, बड़े ऊ के साथ छोटा जोड़ लो भाई, तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ जोड़ लो तब भी क्या बनेगा, ऊ ही बनेगा, ठीक है। क्या बन रहा है, ऊ ही बन रहा है। री के साथ अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं क्या बनेगा, बड़ा री ही बनेगा, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर इस चीज को ध्यान में रख लिया आपने तो दीर्घ स्वर संधि आपकी खत्म हो गई, ठीक है। इसमें हमने जो है कुछ उदाहरण कर लेते हैं हम, कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कुछ एक आप मेरे को बताएं। तो जैसे हम बात करेंगे इस चीज की, एक उदाहरण ले लेते हैं, शब्द लिया आपने भावार, क्या शब्द लिया भाई, भावार। अब हम अगर इसका क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, वो तो कैसे करेंगे, भावधन भावार्थ, मतलब किसी भी, मतलब जो आपने कहानी सुनी है या कोई कविता है उसका जो अर्थ आपको समझ आया वो बताना है। भावार्थ यहाँ से क्या लेंगे हम, यहाँ से भी क्या लिया, दोनों के जोड़ से क्या बना, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जहां पे दोनों जो स्वर हैं वो सजातीय स्वर हैं तो वो आपकी कौन सी संधि बनाएंगे, वो बनाएंगे आपकी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि बनाएंगे, दीर्घ स्वर संधि बनाएंगे। ये चीज का आपने ध्यान रखना भैया,
ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे किसी का उदाहरण ले रहे हैं, जैसे ई की बात करेंगे तो ऐसा हमारे पास शब्द आ गया रजनीश, ठीक है। रजनीश अगर शब्द ले लें हम, क्या बनेगा, रजनी धनीश, ठीक है। यहां से भी बड़ी लिया हमने उदाहरण, यहां से भी बड़ी क्या बना, बड़ी ही बना, ठीक है। बड़ी के साथ बड़ी, के साथ बड़ी जोड़ेंगे तब भी बड़ी ही बनेगी, ठीक है। छोटी के साथ बड़ी जोड़ेंगे, छोटी छोटी जोड़ेंगे तब भी बड़ी ही बनेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये रजनीश रहा आपका। इसी प्रकार से अगर हम शब्द ले लें, हमने शब्द लिया लघुर्मी, इसमें हम क्या करेंगे, लघु धन ऊर्मी, यहां से छोटा ऊ लिया, यहां से बड़ा ऊ लिया, दोनों के जोड़ से क्या बना, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, मैं मान के चल रहा हूं। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बेझिझक, ठीक है। अब मैं कुछ उदाहरण आपके लिए देता हूँ, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने कर पा रहे हैं, या उनके जो उदाहरण है वो मुझे आप उत्तर जो है उनके कमेंट में बताइएगा। जैसे आपके पास शब्द आ गया क्या, नंबर एक हिमालय, नंबर दूसरा कारेली, धर्मात्मा, ठीक है, धर्मात्मा चार पे लिखिए आप, विद्यार्थी, ठीक है, पांच लिखिए आप, विद्यालय। ये उदाहरण आप मुझे कमेंट में बताइएगा आप इनमें से कितने कर पा रहे हैं, ठीक, ठीक है। इसके अलावा और भी आप उदाहरण कर सकते हैं, जैसे आपके पास शब्द आ गया क्या, कपीश, रवीश, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द हैं, जैसे आपके पास शब्द आ गया क्या, सात आठ इस तरह, इन शब्दों के जो है आप मुझे कमेंट में बताइएगा उत्तर, जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी जो की संधियां हैं वो पढ़ेंगे, उनका वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जितने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन इफेक्टिव पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये चीजें समझ गए होंगे, अगर आपको चीजें समझ आ रही है और आप यहाँ अंत तक टिके हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जब नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।